सो ये है लिस्ट ऑफ सम कंट्रीज़ जो इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए ओपन हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, पर आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा ट्रैवल करने के लिए, एंड मेरा इसमें क्या ओपिनियन है, आपको ट्रैवल करना चाहिए या नहीं। सो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। नंबर वन, अल्बेनिया। अल्बेनिया ने अपना टूरिज्म ऑल कंट्रीज के लिए 1 जुलाई 2020 को रीओपन किया। यहाँ पर एयरपोर्ट में कोई भी टेस्ट या फिर 14 डेज का क्वारंटाइन होना जरूरी नहीं है, बस आपका एक छोटा सा टेम्परेचर चेक होगा। नंबर टू, एंटीगा एंड बरबूडा। इन्होंने अपना इंटरनेशनल टूरिज्म 4 जून 2020 को ऑफिशियली रीओपन किया। यहाँ पर एयरपोर्ट में पहुँचते ही आपका एक छोटा सा COVID-19 टेस्ट होगा। नंबर थ्री, द बहामाज। 1 जुलाई 2020 से द बहामाज इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए ऑफिशियली रीओपन हो चुका है, पर ये टूरिस्ट को तब तक ही एक्सेप्ट करेगा जब तक सभी टूरिस्ट प्री एंट्री प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे। आप सब प्रोटोकॉल्स को आई बटन के लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। नंबर फोर, बारबाडोस। बारबाडोस ने सभी कंट्रीज के लिए अपना ऑफिशियल टूरिज्म 1 जुलाई 2020 को रीओपन कर दिया था, पर यहाँ आने के लिए डिफरेंट टूरिस्ट का डिफरेंट एंट्री प्रोटोकॉल्स है, जो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। सो चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर फाइव, बाली। बाली गवर्नमेंट ने अभी के लिए सिर्फ डोमेस्टिक टूरिज्म को रीओपन किया है फ्रॉम 31 जून, और ये डिसीजन लिया है कि इंटरनेशनल टूरिज्म को 1 सितंबर 2020 से खोलेंगे, अगर सब सिचुएशन हैंडल रहा तो। नंबर सिक्स, बरमूडा। बरमूडा एक ब्यूटीफुल ओवरसीज आइलैंड टेरिटरी है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। 1 जुलाई 2020 से यहाँ पर ऑफिशियली इंटरनेशनल टूरिस्ट को एक्सेप्ट किया जा रहा है, और यहाँ पर आपको क्वारंटाइन भी होना नहीं पड़ेगा, पर आपके पास एक नेगेटिव COVID-19 टेस्ट रिजल्ट होना चाहिए। नंबर सेवन, बोरा बोरा एंड तहिती। इन्होंने 15 जुलाई से अपना ऑफिशियल टूरिज्म रीओपन कर दिया था फॉर ऑल टूरिस्ट, और यहाँ पर जाके आपको 14 डेज का क्वारंटाइन भी नहीं होना पड़ेगा, पर आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन देखिए। नंबर एट, जॉर्जिया। जॉर्जिया ने अनाउंसमेंट किया है कि वो सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट को एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम 31 जुलाई 2020, पर उन्होंने अपना एरिया दो ट्रैवल जोन्स में डिवाइड किया है। एक है सेफ जोन जहां पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, और एक है अनसेफ जोन जहां पर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। नंबर नाइन, जमैका। 15 जून से ही जमैका ने अपना टूरिज्म रीओपन कर दिया था फॉर ऑल इंटरनेशनल टूरिस्ट, पर सभी टूरिस्ट को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से गुजरना पड़ेगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। नंबर टेंथ, मालदीव्स। मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने ये अनाउंसमेंट किया कि वो 15 जुलाई 2020 से अपना टूरिज्म को रीओपन करेंगे, एंड एवरी कंट्री इज वेलकम, पर आपके पास एक हेल्थ डिक्लेरेशन कार्ड होना चाहिए, और 90 डेज की जगह आपको सिर्फ 30 डेज का फ्री टूरिस्ट वीजा दिया जाएगा। नंबर 11th, नॉर्थ मैसिडोनिया। द रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया ने अपना इंटरनेशनल टूरिज्म ऑफिशियली रीओपन कर दिया है फ्रॉम 1 जुलाई 2020, विथ नो टेस्ट एंड नो क्वारंटाइन्स। नंबर 12th, रुआंडा। 17 जून से रुआंडा ने अपना इंटरनेशनल टूरिज्म सब कंट्रीज के लिए रीओपन कर दिया है, पर यहाँ जाने के लिए आपके पास एक नेगेटिव PCR टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो बोर्डिंग के 72 आवर्स के अंदर कंडक्ट किया गया हो। नंबर 13, श्रीलंका। श्रीलंका ने ये अनाउंसमेंट किया है कि 15 अगस्त से सभी कंट्रीज के लिए वो अपना इंटरनेशनल टूरिज्म रीओपन करेगा, पर यहाँ पर भी जाने के लिए आपके पास एक नेगेटिव PCR सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो 72 आवर्स के अंदर कंडक्ट किया गया हो। यहाँ पर आपको कोई भी क्वारंटाइन पीरियड में नहीं रखा जाएगा, पर श्रीलंकन एयरपोर्ट में आपका एक छोटा सा COVID-19 टेस्ट होगा। नंबर 14, सेंट बार्थ। सेंट बार्थ ने ऑफिशियली अपना इंटरनेशनल टूरिज्म 22 जून से रीओपन कर दिया था। इस करेबियन आइलैंड में भी जाने के लिए आपके पास एक नेगेटिव CPR टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, परफॉर्म्ड विद इन 72 आवर्स। नंबर 15, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीन्स। यहाँ पर भी ऑफिशियली इंटरनेशनल टूरिज्म स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 1 जुलाई 2020, वेलकमिंग टूरिस्ट फ्रॉम ऑल कंट्रीज, बस आपको एयरपोर्ट में एक छोटा सा COVID-19 टेस्ट देना पड़ेगा। नंबर 16, टैंजेनिया। टैंजेनिया ने अपना ऑफिशियल इंटरनेशनल टूरिज्म ऑल कंट्रीज के लिए रीओपन कर दिया था फ्रॉम June 2020। यहाँ पर आपको 14 डेज क्वारंटाइन तो नहीं होना पड़ेगा, पर टेम्परेचर चेक्स, वेयरिंग मास्क एंड सोशल डिस्टेंस बहुत जरूरी है। नंबर 17,
17 टर्की। टर्की ने अपना इंटरनेशनल टूरिज्म 12 जून से खोल दिया था फॉर ऑल कंट्रीज। एयरपोर्ट में आपका छोटा सा एक हेल्थ चेकअप और टेम्परेचर चेकअप होगा और फेस मास्क पहनना और ई वीजा कैरी करना इम्पोर्टेंट है। नंबर 18 टर्क्स एंड केकोस। टर्क्स एंड केकोस 22 जुलाई से अपना इंटरनेशनल टूरिज्म रीओपन कर देंगे। यहाँ पर भी जाने के लिए आपके पास एक नेगेटिव COVID-19 CPR टेस्ट रिजल्ट होना चाहिए, विच शुड बी परफॉर्म्ड विद इन 72 आवर्स बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट। और बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन देखिए। नंबर 19 दुबई। 7 जुलाई 2020 से दुबई ने अपना इंटरनेशनल टूरिज्म को रीओपन कर दिया फॉर ऑल कंट्रीज। पर यहाँ पर भी जाने के लिए आपके पास एक नेगेटिव COVID-19 CPR टेस्ट रिजल्ट होना चाहिए और भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। रेफर डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नंबर 20 UK। यूनाइटेड किंगडम ने 8 जून से अपना इंटरनेशनल टूरिज्म को रीओपन कर दिया था फॉर ऑल कंट्रीज। पर यहाँ पर भी घुसने के लिए आपको बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा और सबसे मेन ड्रॉबैक ये है कि आपको एक 14 डेज के क्वारंटाइन पीरियड में रहना पड़ेगा बिफोर ट्रैवलिंग। नंबर 21 अक्रेन। अक्रेन ने 15 जून 2020 से ऑफिशियली अपना इंटरनेशनल टूरिज्म को रीओपन कर दिया था। इन्होंने टूरिज्म को आसान करने के लिए एक ग्रीन जोन और एक रेड जोन लिस्ट बनाया है। ग्रीन जोन लिस्ट में जो कंट्रीज है उनको 14 डेज के क्वारंटाइन पीरियड में नहीं रहना पड़ेगा और जो रेड जोन के कंट्रीज में है उनको रहना पड़ेगा और इंडिया ग्रीन जोन में है। सो ये था लिस्ट ऑफ सम कंट्रीज एंड प्लेसेस जिन्होंने अपना इंटरनेशनल टूरिज्म को रीओपन कर दिया है फॉर एवरीवन। ये कुछ 21 ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे इंडिया इंक्लूडेड है फॉर टूरिज्म। कुछ ऐसे भी कंट्रीज है जिन्होंने अपना टूरिज्म को रीओपन तो कर दिया है पर कुछ कंट्रीज से लिमिटेड रखा है। मैंने कमेंट सेक्शन में वो सारे कंट्रीज का नाम पिन कर दिया है इंक्लूडिंग दीज 21 कंट्रीज। आप जाकर चेक कर सकते हैं और एक एक इंडिविजुअल कंट्री का पूरा डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब ये सब प्लेसेस खुल तो गए हैं पर हम इंडियंस अब भी ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी भी इंडिया में बंद है और अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है पर ये एक्सपेक्टेड है 15 अगस्त के बाद ही। और ये ट्रैवलिंग का प्रोसेस कुछ फ्यू स्टेप्स में होगा, जैसे कि आपको हर टाइम सोशल डिस्टेंस करना पड़ेगा विद वेयरिंग फेस मास्क एंड ग्लव्स और हर एक पॉइंट में आपका टेम्परेचर चेक होगा। किसी किसी एयरपोर्ट में आपका एक छोटा सा COVID-19 टेस्ट भी हो सकता है विच डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर ट्रैवलिंग। और जैसा कि आपको पता है कुछ कंट्रीज में ट्रैवल करने के लिए आपको एक नेगेटिव COVID-19 CPR टेस्ट रिजल्ट कैरी करना पड़ेगा। जिस फ्लाइट में आप ट्रैवल कर रहे हैं वो सिर्फ 80% ही भर सकता है और आपको एक फ्रेश सेट ऑफ मास्क एंड ग्लव्स भी दिया जाएगा जिसे आपको हर टाइम पहनना पड़ेगा इन द फ्लाइट। पर इतना सब करने के बाद भी क्या आपको ट्रैवल करना चाहिए? वेल, मेरा सजेशन है नहीं। सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस COVID-19 सिचुएशन में इंडिया का हालत बहुत खराब है। 15 जुलाई 2020 को इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कोरोना वायरस जम्प्स था जो था क्लोज टू 30,000 न्यू कोरोना वायरस केसेस इन अ सिंगल डे। सो इस सिचुएशन में ट्रैवल करना इज नॉट अ गुड आइडिया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 6 to 8 months वेट कर ले और अगर कुछ केसेस कंट्रोल में होता है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। पर अगर आप फिर भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम है जहां पर आप लेस पॉपुलेटेड और लेस फेमस प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि कोई आइलैंड। अब तक तो ये साफ दिख रहा है कि COVID-19 हमारे साथ बहुत टाइम तक रहने वाला है, सो इट्स टाइम कि हमें इसके साथ रहना सीखना पड़ेगा। आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है, ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं। और किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन देखिए या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टा और फेसबुक हैंडल्स को भी चेक कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड सजेशंस अबाउट माय अपकमिंग वीडियोस। सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और ट्रैवलिंग से रिलेटेड ऐसा ही वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब करिएगा। सो बाय एंड एंजॉय योर जर्नी।